तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आधार कार्ड की। पहले कई वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आधार कार्ड में एड्रेस को कैसे अपडेट करते हैं, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी बढ़िया है, ज्यादा यूजफुल है उन लोगों के लिए जिनके पास कोई सबमिटेड डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। अब आप ये कर सकते हैं कि अपने फादर, मदर, ब्रदर, हस्बैंड वगैरह के आधार कार्ड में जो एड्रेस है आप उसको अपने आधार कार्ड में फैच करा सकते हैं, उस एड्रेस को अपने आधार कार्ड के अंदर भी अपडेट करा सकते हैं, वो भी सिर्फ 50 रुपए में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसके लिए सिर्फ आपको दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट हो और दूसरा जिसके आधार कार्ड से आप एड्रेस को उठा रहे हो ना उसके अंदर भी मोबाइल नंबर फैच हो, लगा हुआ हो। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं टेक हेल्पर हुसैन चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन भी जरूर दबाएं, इससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए आपको आना है किसी भी क्रोम ब्राउजर में, यहाँ पे टाइप करना है myaadhar.udai.gov.in और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई आधार का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस होगा, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, सिंपली यहाँ लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, यहाँ पे कैप्चा देना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको OTP एंटर करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑनलाइन अपडेट सर्विसेज का, सिंपली आपको इस एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अपडेट आधार ऑनलाइन, हेड ऑफ फैमिली बेस्ड आधार अपडेट और लैंग्वेज ऑनलाइन अपडेट का। तो सिंपली आपको यहाँ सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ इस पे एरो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस होगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला आता प्लीज एंटर द आधार नंबर ऑफ योर हेड ऑफ फैमिली टू फेस द एड्रेस, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रूफ रिलेशनशिप देना है, उसके बाद 50 रुपीज का पेमेंट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको व्हेन यू हैड ऑफ फैमिली लोगोज, इस तरह से। तो अभी फिलहाल हमको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है सिर्फ। नो गॉड प्लीज नो नो। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पे हमारा करंट डिटेल्स जो दिखाई दे रही है वो हमारा एड्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आ जाता है डिटेल्स ऑफ HOF रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। तो दोस्तों जिस आधार कार्ड में भी आपको इस एड्रेस को बदलना है तो उसका आप आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे जो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा आधार नंबर से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा रिलेशनशिप टाइप, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऑप्शन होंगे, फादर, गार्जियन, हस्बैंड, मदर, अदर वाइफ, यहाँ पे आप जो भी हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना फादर का सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, यहाँ पे पासपोर्ट, पेंशन कार्ड वगैरह दे सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन एक ले सकते हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, आपको वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का होता है, यहाँ पर जो भी अपने आधार कार्ड के एड्रेस को दूसरे के आधार कार्ड में फिल कराना चाह रहा है वो यहाँ पे इसको भरेगा। पहले यहाँ पे वो अपना नाम लिखेगा, उसके बाद यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखेगा, उसके बाद यहाँ पर वो अपना आधार नंबर देगा और उसके बाद यहाँ पर जिसके आधार कार्ड में बदलना है वो उसका बेटा है, उसका पति है, उसकी माता है, जो भी है, यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका आधार नंबर एंटर करना है और यहाँ पे उसको बताना है कि वो मेरा बेटा है, वो मेरे पापा हैं, वो मेरी वाइफ है, कौन है। और उसके बाद यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको एड्रेस को एग्री करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे अपना सिग्नेचर वगैरह देने हैं, डेट, मंथ, ईयर वगैरह आपको देनी है और उसके बाद आप यहाँ पर वापस आकर इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन को और उसके बाद आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है विव डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, आपको इस पर क्लिक करना है, कंटिन्यू अपलोड पर क्लिक कर देना है और जो भी फोटो आपका होगा उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जब ये यहाँ से पूरा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं
हैं कि डॉक्यूमेंट का साइज 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। हम इस क्वालिटी को थोड़ा डाउन करके दोबारा से अपलोड करेंगे और उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उसके बाद यहाँ पे आता है, डियर रेजिडेंट, यू विल बी चार्ज ऑफ ₹50 प्रोसेस द ऑनलाइन अपडेट रिक्वेस्ट। यहाँ से आपको ₹50 का पेमेंट करना होगा। उसके लिए आप यहाँ कंफर्म करेंगे, उसके बाद रेजर पे या पे यूपीज को सिलेक्ट करेंगे। हम रेजर पे को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे अपना आपको ईमेल आईडी एंटर करना है और स्क्रॉल करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पे विद UPI QR कोड आप कर सकते हैं। इस QR कोड को आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप वगैरह से, या फिर आप यहाँ कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या वैलेट वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं तो आपको एक रिसिप्ट नंबर दिया जाता है। तो अब आपको करना ये होगा कि जिसके आधार कार्ड को आपने अटैच किया है कि मेरे फादर का आधार कार्ड का एड्रेस मुझको अपने आधार कार्ड में कराना है अपडेट, तो अब मुझको यहाँ से इसको कट कर देना है पेमेंट वगैरह करने के बाद। और उसके बाद जहाँ पे अभी देखो ये हमारा खुल रहा है ना अपना, तो यहाँ पे हमको इसी तरह लॉगिन करना है अपने फादर वाले को, और फादर के आधार कार्ड को लॉगिन करने के बाद आप यहाँ आएंगे और इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद वो जो रिसिप्ट के ऊपर SRN नंबर होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, यानी आपके पापा वाले में, मैं मिसाल के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, कि यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी कि इस नाम से उन्होंने आपके आधार कार्ड के एड्रेस को अपने आधार कार्ड के एड्रेस में अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट की है। सिंपली आपको उसको वहाँ से एक्सेप्ट करना है और उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर ये एड्रेस, यानी आपके पापा वाला एड्रेस, आपके आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगा और उसके बाद बाई पोस्ट ये आपके घर पहुँच जाता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी जरूर दबाएं, इससे हमारी आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।